समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि पर प्रदेश मुख्यालय और विधानसभा भवन परिसर में उनकी प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर अखिलेश ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों, नौजवानों, मजदूरों को जगाने का काम किया। किसानों की खुशहाली के बिना देश का विकास नहीं होगा। हर वर्ग के लोगों ने चौधरी साहब को किसानों का नेता माना। सपा उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेती है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पिछड़ों, दलितों को संविधान में दिए हक और सम्मान को छीन रही है, उनके साथ अन्याय कर रही है। भाजपा लिटरल एंट्री, आउटसोर्स और निजीकरण के जरिए पिछड़ों, दलितों को नौकरियों, अवसर और आरक्षण से वंचित कर रही है। यूनिवर्सिटी और कॉलेजों की नियुक्तियों, नौकरी और भर्तियों में हर जगह मनमाने तरीके से अपने चहेतों की भर्ती कर रही है। संविधान और नियमों के अनुसार आरक्षण नहीं दे रही। बीजेपी पिछड़े और दलितों से वोट तो लेती है, लेकिन जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है।